नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक लेके आए हैं, जो कि एक बहुत ही आम समस्या, जिसको हम शियटिका के नाम से जानते हैं, उसके लिए बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, शियटिका एक नर्व होती है जो स्पाइनल नर्व से मिलके बनती है, और जब उस शियाटिक नर्व के ऊपर किसी तरह का कोई कंप्रेशन या दबाव आता है, तो उस शियाटिक नर्व का जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां जहां उसकी सप्लाई होती है, उस एरिया में हमें दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। सबसे कॉमन रीजन पाइरिफोर्मिस सिंड्रोम है। पाइरिफोर्मिस हमारे कुल्ले का छोटा सा मसल होता है, शियाटिका नर्व उस मसल के नीचे से पास करती है। जब वो मसल स्पाजम में जाता है या जकड़ जाता है, तो वो शियटिक नर्व को इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है, उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पैर में हमें शियटिका के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, शियटिका का पेन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी यूजफुल और पावरफुल टेक्निक सिखाने जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही सेफ है। आप अपने घर पर यूज कर सकते हैं, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है दोस्तों, तो आप इस टेक्निक को जरूर सीखिए और अपने दोस्तों पे, अपने घर परिवार वालों पे, किसी पे भी जिसको शियाटिका का पेन आ रहा है, उस पे अप्लाई कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको मैजिकल इफेक्ट मिल रहे हैं। तो आइए हम आपको इस टेक्निक के बारे में बताते हैं। शियाटिक नर्व जब पायरीफोर्मिस मसल के नीचे कंप्रेस होती है, पायरीफोर्मिस मसल हमारा सैक्रम से ओरिजिनेट करके, और हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर हमारा हिप जॉइंट का जो फीमर बोन होती है, उसका पार्ट होता है यहाँ पे। तो ये सैक्रम से ओरिजिनेट करके और यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर जाके अटैच होता है। तो इसके नीचे से शियटिक नर्व पास करती है। तो ये मसल जब टाइट होता है या स्पाजम में जाता है, तो शियटिक नर्व को इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है। जब शियटिक नर्व इरिटेट होती है, तो हमें शियटिक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हम आज आपको सिखाएंगे कि इस पायरीफोर्मिस मसल को कैसे रिलैक्स किया जाता है, इस मसल का स्पाजम कैसे खत्म किया जाता है। बहुत ही यूजफुल टेक्निक है दोस्तों, बिल्कुल सेफ टेक्निक है। आप बिना किसी डर के, बिना भय के, इस टेक्निक को किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पायरीफोर्मिस मसल हमारा सैक्रम से ओरिजिनेट करके और फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर जाके अटैच होता है। ये जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है हमारा कूल्हे के ऊपर, ये जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है, इसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। सैक्रल डिंपल और सैक्रल अपेक्स, यहां से जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल की तरह, और वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आके मिलेंगी, तो इसको हम पायरिफोर्मिस मसल समझेंगे। इस मसल को जब हम दबा के देखेंगे, तो ये मसल हमें पेनफुल महसूस होगा। इसके अंदर हमें ट्रिगर पॉइंट्स फील होंगे। ट्रिगर पॉइंट्स छोटे छोटे नोड्यूल की तरह होते हैं, छोटी छोटी गांठ की तरह होते हैं। जब हम उनको दबाते हैं, तो वो बहुत ही पेनफुल स्पॉट होते हैं। तो जब मसल स्पाजम में जाता है, तो उसके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। तो हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज करेंगे इस टेक्निक के द्वारा, स्ट्रेन काउंटर स्ट्रेन टेक्निक के द्वारा हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज करेंगे, जिससे कि पायरिफोर्मिस मसल का स्पाज्म खत्म हो जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएगा, और उसकी वजह से जो शियाटिक नर्व इरिटेट हो रही है, जो हमारे पैर को करंट सप्लाई करती है, तो उसका इरिटेशन खत्म हो जाएगा। तो ये टेक्निक सीखने से पहले हम इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल समझते हैं। दोस्तों, स्ट्रेन काउंटर स्ट्रेन टेक्निक एक पैसिव टेक्निक है। पैसिव का मतलब है कि इसमें पेशेंट का कहीं भी कोई एफर्ट नहीं लगेगा। ये टेक्निक थेरेपिस्ट को अपने आप करनी है, कहीं भी पेशेंट का कोई जोर नहीं लगेगा, कोई एफर्ट नहीं लगेगा। दूसरी चीज, हमें एक पोजीशन ऑफ मैक्सिमम
ईज में पार्ट को लेके जाना है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज, जहां पे पेशेंट का पेन या तो 70% कम हो जाए या फिर हम जब मसल को फील करें तो वो मसल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तो उसको हम पोजीशन ऑफ ईज कहते हैं। तीसरी चीज, इस पोजीशन को, पोजीशन ऑफ ईज को हम कम से कम 90 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 90 सेकंड से 120 सेकंड तक हम इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। जो पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं उनका 90 सेकंड का टाइम सफिशियंट है, जिन पेशेंट को रिलैक्स होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको हम 120 सेकंड यानी 120 सेकंड तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस टेक्निक को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे, प्रोन लाइंग में लेके जाएंगे उल्टा। दोस्तों पायरीफॉर्मिस मसल को जब हम फील करेंगे तो हमें इसके अंदर एक सबसे टेंडर पॉइंट मिलेगा, सबसे पेनफुल स्पॉट मिलेगा, सबसे पेनफुल पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को हम अपने फिंगर्स के साथ टच करके रखेंगे। जैसे कि हम यहां पे फील कर सकते हैं, ये एक पेनफुल पॉइंट है, ये टेंडर पॉइंट है। तो इस टेंडर पॉइंट को हम टच करके रखेंगे। पूरे प्रोसीजर में हमें इस टच को नहीं छोड़ना है। इस टच का हमारा क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है पोजीशन ऑफ ईज को फाइंड आउट करना। पोजीशन ऑफ ईज फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो, जो हमारा मसल है वो सॉफ्ट हो गया है, या फिर दूसरा पेशेंट से पूछेंगे कि आपका पेन पहले से कैसा है। अगर जो पेशेंट बोलता है कि मेरा पेन 70% तक कम हो गया है, हम पेशेंट को एक स्केल देंगे कि आपका 1 से 100 के बीच में कितना परसेंट पेन कम हो गया है। तो पोजीशन ऑफ ईज में पेशेंट का कम से कम 70% पेन कम हो जाना चाहिए। जब हम पेशेंट को पोजीशन में लेके जाएंगे तो उस पोजीशन को 90 सेकंड टू 120 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। सबसे पहले हम अपने कॉन्टैक्ट को मेंटेन करके रखेंगे, उसके बाद पेशेंट के पैर को काउच से नीचे लेके जाएंगे और हिप जॉइंट को हम लगभग 135 डिग्री तक मोड़ेंगे। 135 डिग्री तक हम हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन इंड्यूस करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपका पेन पहले से कितना कम हुआ है। पेन पहले से कितना कम हो गया? 100 में से कितना परसेंट कम हो गया? 50%। तो हमारा टारगेट 70% के आसपास का है कि 70% पेशेंट का पेन कम हो जाना चाहिए। अब इसमें हम एबडक्शन ऐड करेंगे। हम पेशेंट के पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, उसके बाद फिर पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट का पेन कितना कम हो गया। अब पेन कितना कम हो गया? 70%। तो दोस्तों हमारा टारगेट 70% पेन खत्म करने का है। जब पेशेंट का पेन 70% खत्म हो जाए तो उस पोजीशन को हमें 90 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अगर आप अपनी फील से पोजीशन ऑफ ईज ढूंढना चाहते हैं, फील से मतलब कि आप देखना चाहते हैं कि पायरीफॉर्मिस मसल कितना सॉफ्ट हो गया, तो आप उसको भी अपना टारगेट बना सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग में हम थोड़ा सा पैर को आगे लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा पैर को पीछे लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा नीचे लेके जा सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पैर को अंदर की तरफ घुमा सकते हैं, थोड़ा सा पैर को बाहर की तरफ घुमा सकते हैं। तो जहां पे मसल बिल्कुल सॉफ्ट फील हो हमें, उस पोजीशन को अब हमें 90 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। हमें अपने कॉन्टैक्ट को नहीं छोड़ना है, हमें अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट पे बिल्कुल जेंटल टच रखना है। हमें इसको बहुत जोर से दबाना नहीं है। 90 सेकंड के बाद
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैर को न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाना। जब आप पैर को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाओगे तो ये पूरा पैसिव प्रोसीजर होगा। पेशेंट का कहीं भी जोर नहीं लगना चाहिए। अगर पेशेंट का जोर लगता है तो मसल दोबारा फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, मसल दोबारा फिर से स्पाजम में चला जाएगा और हमारी टेक्निक का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टेक्निक की, लिंब को, पैर को वापस न्यूट्रल पोजीशन में पैसिवली लेके जाना। तो हम बिल्कुल धीरे 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 इस पैर को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। पेशेंट का कहीं भी जोर नहीं लगेगा, पूरा पैसिव प्रोसीजर है। उसके बाद फिर हम मसल को फील करके देखेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि अब पेन कितना कम है। पेशेंट का पेन 70% खत्म हो जाना चाहिए। टेक्निक के बिल्कुल बाद पेशेंट का पेन 70% तक रिड्यूस हो जाना चाहिए। अब पेन कितना कम है? 90%। 90%। तो दोस्तों, हमारा टारगेट लगभग 70% का है, तो कई बार पेशेंट का पेन 90% या 100% तक भी खत्म हो जाता है। बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है दोस्तों, आप बिल्कुल सेफली तरीके से आप इसको किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।